एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी। यहाँ पर जब गैंग वो अपने घर की ओर लौट रहा था तभी उसे एक मिस्टीरियस आदमी दिखाई देता है जिसे देखे वो बहुत हैरान हो जाता है। थोड़ी देर के बाद भी इस मिस्टीरियस आदमी को वो अपने साथ लेके अपने घर पे आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनका नाम मिस्टर मिनसू है। अब यहाँ पे गैंग वो उन्हें सोने के लिए एक रूम भी दिखा देता है और उन्हें कहता है कि वो रात में वहीं पे रहे, जिसके बाद गैंग वो सोने के लिए चला जाता है। लेकिन वही स्टूडियो में मिस्टर जोई गैंगबो के वो तीनों लफंग के फ्रेंड्स को बुला लेते हैं और वहाँ पे उन तीनों को बहुत कुछ बोलते हैं और बहुत डांटते हैं। दरअसल यहाँ पे इन तीनों ने मिलकर सोरेम के प्रैक्टिस वाले वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था, जिससे लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सोच बैठ रही थी कि सोरेम एक ऑफिशियल ग्रुप है जिसे काफी सारी ट्रेनिंग करके उससे दुनिया के सामने परिचय किया गया है या फिर लॉन्च किया गया है। और इसी बात को लेकर मिस्टर जोई उन तीनों के ऊपर बहुत चिल्लाते हैं। थोड़ी देर के बाद मिस्टर जोई मीटिंग बैठाते हैं और वहाँ पे वह अपने बाकी टीम मेंबर्स को समझाते हैं कि वे जल्द से जल्द उस वीडियो को डिलीट कर देंगे और उस वीडियो को डिलीट करने के लिए प्रक्रिया चालू हो चुकी है। लेकिन वहीं पे कैंग वो बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि सोरेम ने उसे गाना को गाने से मना कर दिया था। और यहाँ पे हम लोग सोरेम को भी देखते हैं जो कि इसी बात को सोच के बहुत परेशान हो रही थी। लेकिन तभी उसे सीवोन कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उसे मिलने के लिए नीचे आ रहा है। अब जब सोरेम नीचे जाती है तो सीवोन वहाँ पहुंच चुका था, जिसके बाद सोरेम उसे सब कुछ बता देती है कि उसने कैंग वो से साफ साफ मना कर दिया है कि वह कैंग वो के लिए कोई भी गाना नहीं गाएगी। तब यहाँ पे सीवन उसे समझाता है और उसे तसल्ली देता है कि वह अगर ऐसा करती रहेगी तो वह एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाएगी। वहीं पे मिस्टर चोई जब मीटिंग खत्म करके जा रहे थे तो वहाँ पे चेसुन चली आती है। दरअसल यहाँ पे मिस्टर किम इन दिनों मीटिंग और कंपटीशन में इतने ज्यादा बिजी थे कि वह चेसुन को समय ही नहीं दे पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे चेसुन उनसे बहुत ज्यादा नाराज थी। तब यहाँ पे मिस्टर चोई से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वह इन दिनों मीटिंग में बहुत ज्यादा ही परेशान है, इसलिए वह उसे कल बात करे। लेकिन यहाँ पे चेसुन उन्हें बहुत कुछ बोलती है और खुद ही नाराज होकर चली जाती है। तब मिस्टर चोई को काफी बुरा लगता है, लेकिन चेसुन कार में जाने के बाद बहुत रोती है। अब नेक्स्ट डे जब कैंगू सो के उठता है तो वह देखता है कि मिस्टर मीन हो वहाँ पे बैठ कर गिटार बजा रहे थे। तब यहाँ पे कैंगू उन्हें समझाता है कि वह ज्यादा प्रैक्टिस ना करे और अपने आप को सही से देखभाल करे। वह काम करने के लिए भी बाहर जा रहा है और वहाँ से कैंगू चला जाता है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर मीन हो टहलते हुए मार्केट में चले जाते हैं जहाँ पे वह सोरेम के शॉप पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे जब सोरेम उन्हें देखती है तो वह बहुत ज्यादा हैरान थी। और यहाँ पे सोरेम को याद आता है कि मिस्टर मीनू वही आदमी है जिसके साथ उसने गिटार बजाया था जब वह कैंगबो से मिलने के लिए गया था और कैंगबो से मिलने के लिए नहीं आया था। और उस दिन को याद करके फिर उन्हें काफी हंसते हैं। तब यहाँ पे सोरेम उनसे पूछती है कि आखिर वह इस इलाके में कैसे आए, क्या वे आसपास रहती हैं। तब मिस्टर मीनसो उसे बताते हैं कि वे यहाँ पे नहीं रहते, वे किसी और के साथ अलग एरिया में रहते हैं, बस यहाँ पे टहलते हुए चले आए हैं। तब यहाँ पे सोरेम उनसे बहुत बातें करती है क्योंकि उस दिन उनके साथ ही उसने गाना गाया था। अब वहीं पे कैंग वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है जहाँ पे वो हमेशा की तरह कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था और वहाँ पे लोगों के साथ गाना गा रहा था। यहीं पे थोड़ी देर के बाद अब सोरेम भी चली आती है। अब यहाँ पे सोरेम काफी खूबसूरत सा ड्रेस पहन लेती है जो कि उसके ऊपर काफी अच्छा लग रहा था। तब यहाँ पे कुछ स्टाफ उसके साथ मिलकर फोटो भी खिंचवाते हैं जिस पर सोरेम बहुत खुश होती है। अब फोटो खिंचवाने के बाद सोरेम कैंगबो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में चली जाती है जहाँ पे सोरेम उससे काफी अच्छी तरह से बातें करने की कोशिश करती है। और तब कैंगबो उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है, जिस पर सोरेम उसे बताती है कि उसने सुना है कि वो यहाँ पे सबसे अच्छा गिटार बजाता है, इसलिए सोरेम उससे कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए चली आई है। अब यहाँ पे कैंगबो भी तैयार हो जाता है और उसे ट्रेनिंग देने लगता है। लेकिन यहाँ पे गिटार बजाने के वक्त ये दोनों इतने ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे किसिंग करने ही वाले थे। बट तभी वहाँ पर सीवन जो कि कैंगबो से मिलने के लिए आया होता है वो उन दोनों को देख लेता है और तभी वो खांसते हुए उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर है। तभी अचानक से कैंगबो और सोरेम अलग हो जाते हैं।
अब यहाँ पे सीवन कैंगबो को बताता है कि वो उसे मिलने के लिए आया है और वो उसे थोड़ी सी बातें करना चाहता है। अब जब कैंगबो बाहर निकलता है तो सीवन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह सोरिम की जिंदगी में ना आए, इससे उसकी कैरियर पूरी तरह से खत्म हो सकती है और बिना मतलब कि वो उसे लव जैसे बेकार चीजों में ना फंसाए। लेकिन यहाँ पे कैंगबो सीवन से साफ साफ कहता है कि वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखे, नहीं तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। सीवन उसे समझाता है कि मिस्टर चोई भी यही चाहते हैं और वो हमेशा कैंगबो को डांटते रहते हैं, इसका कोई भी असर कैंगबो पर क्यों नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कैंगबो उसे बताता है कि मिस्टर चोई यहाँ के सबसे सीनियर स्टाफ है और वो किसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि वो उनका फर्ज है और वो सभी के कैरियर की ही फिक्र करते हैं और इसलिए कैंगबो भी उनका रिस्पेक्ट करता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि मिस्टर चोई भी छुपकर उन दोनों को बातों को सुन लेते हैं और वे बहुत खुश होते हैं कि कैंगबो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। अब यहाँ पर सीवन से बातें खत्म करने के बाद जब कैंग बिल्डिंग से नीचे उतरता है तो वहाँ पे चेस सुन चली आती है और वह अपनी सभी बातों को उस कैंगबो को बता देती है कि किस प्रकार से मिस्टर चोई से थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं और उसकी कैरियर अब डूब नहीं पा रही है क्योंकि ना तो उसे कोई नया गाना मिल रहा है और ना ही वो उसे गा पा रही है। लेकिन उसका सपना एक सिंगर बनना था, लेकिन उसे गाना नहीं मिलेगा तो वह पूरी तरह से डूब जाएगी और वो धीरे धीरे डूबती ही जा रही है और वो गिरना नहीं चाहती, इसलिए कैंगबो उसके लिए कोई अच्छा सा गाना को लिखी। लेकिन यहाँ पे कैंगबो हमेशा की तरह मना करता है और कहता है कि उसने पहले भी कहा था कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं करेगा और अभी भी कह रहा है कि वो उसके लिए कुछ नहीं करेगा। तब यहाँ पर चोई से काफी रोने लगती है। अब चोई से को देखने के बाद तो कैंगबो के नर्म दिल भी पिघल जाता है। अब अचानक से यहाँ से सीन शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे कैंगबो काफी परेशान था चेस उनके बारे में सोच कर। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर चोई चले आते हैं और भी कैंगबो को बता देते हैं कि कल उसके तीनों फ्रेंड्स ने मिलकर सोरिम के प्रैक्टिस वाले वीडियो को इंटरनेट पे रख दिया था, जिसके कारण काफी सारे फैन उसे ट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब यह सुनने के बाद तो कैंगबो बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो काफी गुस्सा हो जाता है। अब जब कैंगबो गुस्सा होकर नीचे उतरता है तो वह देखता है कि मिस्टर मिन्सो उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कैंगबो का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं होता है और वो अपने तीनों फ्रेंड्स के ऊपर काफी गुस्सा हो रहा था। तब यहाँ पे मिस्टर मिन्सो उसे समझाते हैं कि वह गुस्से में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि अगर गुस्से में वो फैसला लेगा तो यह कंपनी और उसके लिए बहुत बड़ी ना समझी वाली बात हो जाएगी, और मिस्टर मिन्सो उसे समझा के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कैंगबो इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो अपने तीनों फ्रेंड्स को मिलने के लिए बुलाता है और वो वहाँ पे पहुँच के उन तीनों फ्रेंड्स के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर उन तीनों की हिम्मत कैसी हुई कि वे सभी मिलकर सोरिम की वीडियो को इंटरनेट पे डाले। तब यहाँ पे कैंगबो का एक फ्रेंड उसे समझाता है कि मिस्टर चोई पहले भी उसके ऊपर गुस्सा हो चुके हैं और इसलिए उन तीनों ने मिलकर उस वीडियो को इंटरनेट पर से डिलीट कर दिया है और मामला भी पूरी तरह से शांत है। लेकिन कैंगबो यहाँ पे बहुत ही गुस्सा होने लगता है और चिल्लाने लगता है कि मैटर अभी शांत है, लेकिन अगर ये बात मीडिया के पास चली गई तो कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता है। लेकिन यहाँ पे कैंगबो के तीनों फ्रेंड्स और गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि आखिर कैंगबो दोस्त है तो है किस लिए, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए उनसे झगड़ा करने के लिए चला आया। और वो वहीं पर कैंगबो से दोस्ती तोड़ने की बातें कह देते हैं, जिसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। बट यहाँ पे कैंगबो और भी उदास हो जाता है और तब कैंगबो को याद आता है कि किस प्रकार से वे चारों फ्रेंड्स मिलकर यहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन अब वे तीनों भी उसे छोड़ के जा चुके हैं। अब यहाँ पे तो कैंगबो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब नेक्स्ट डे कैंगबो ऑफिस भी नहीं जाता है और वो वहीं पे बैठा रहता है, इसलिए वह सोरिम को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। तब सोरिम भी उसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जिनहो को यूसिन कॉल करती है, जिसके बाद वो उसे बातें करने लगता है और कॉल कट कर देने के बाद यादने के बाद तो ली उनका फेस देखने लायक था, क्योंकि वह जिनहो काफी ट्रोल करने लगता है। अब वहीं पे जब सोरिम कैंगबो से मिलने के लिए जब जा रही थी तभी अचानक से वो बिल्डिंग में चेसुल से टकरा जाती है। अब चेसुल तो उसे देख के पहचान जाती है कि वह न्यू सिंगर है जो कि यहाँ पे डेब्यू कर रही है, लेकिन यहाँ पे चेसुल न जाने क्यों बहुत ज्यादा खुश थी और वो उसे बताती है कि उसने अभी अभी अपना एक न्यू गाना को लिखा है, इसलिए वह सोरिम को सुनने के लिए कहती है ताकि वो अपना राय दे सके। अब जब सोरिम उससे सुनती है तो उसे याद आता है कि परसों रात को जब कैंगबो से मिलने के लिए वो पार्क
पंचायत में गई थी तो गैंगबो ने इसी गाना को उसे सुनाया था और इसी गाना पे उसने रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि वो गैंगबो के गाना को नहीं गाएगी। अब यहाँ से सोरिम काफी गुस्सा होकर गैंगबो से मिलने के लिए पहुंचती है, जहाँ पे गैंगबो से नाराज होकर वो कहने लगती है कि जो गाना को गैंगबो ने उसके लिए लिखा था उस गाने को किसी और को गैंगबो ने क्यों दे दिया। अब यहाँ पे गैंगबो तो खुद ही हैरान था कि सोरिम को इसके बारे में कैसे पता चला, लेकिन गैंगबो सोरिम को समझाता है कि जेस उसकी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है और वो कुछ दिनों पहले उसके पास आई थी और वो रो रही थी कि उसके पास कोई न्यू गाना नहीं है, इसलिए गैंगबो ने उसे वो गाना दे दिया क्योंकि सोरिम ने उस गाने को गाने से मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पे सोरिम तो गैंगबो की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तब यहाँ पे गैंगबो काफी गुस्सा हो जाता है और वो सोरिम को बताता है कि वो हमेशा से ही गाना को लिखते आया है लेकिन उसने कभी भी एक भी गाना को नहीं गाया क्योंकि उसे सिंगर से हमेशा नफरत होती है और वो हमेशा के लिए सिंगर से नफरत ही करता है क्योंकि सिंगर हमेशा अपनी भावनाओं के अनुसार तो गाना गा देते हैं लेकिन वो दूसरों की फीलिंग्स को कोई भी मैटर नहीं करते और इसीलिए वो शुरू से ही सोरिम के पास नहीं रहना चाहता था। अब यह बात सुनने के बाद तो सोरिम और भी नाराज हो जाती है और वो गैंगबो को वहां से छोड़ के चली जाती है। अब जब सोरिम नाराज होकर जा ही रही थी तभी रास्ते में सीवन मिल जाता है और यहाँ पे तो सोरिम इतनी ज्यादा दुखी थी कि वह सीवन को सभी बातें बता के रोने लगती है। अब यहाँ पे तो सीवन से नहीं रहा जाता है और वो सोरिम को गले लगा लेता है क्योंकि वो रो रही थी और तभी हम लोग देखते हैं कि गैंगबो उन दोनों को साथ में देख लेता है और इसी ट्विस्ट के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।